Hello students, welcome to the class. I am Sangeeta from Takshila Model School, and in today's lecture we will continue our chapter Adaptations in Animals. So let us start our topic for today, that is aquatic animals. So first let us know what are aquatic animals. Aquatic animals kaun hote hain, kise kehte hain aquatic animals. So aquatic animals, first of all the meaning of this term aqua. Aqua ka matlab hota hai water. तो एक्वा मीन्स वॉटर. तो एक्वेटिक एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं. तो एनिमल्स दैट लिव इन वॉटर आर एक्वेटिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल फिश, क्रैब, टर्टल्स एटसेट्रा. तो पानी में रहने के लिए इन सब एनिमल्स के पास क्या फीचर्स होने चाहिए वो हम देखते हैं, क्योंकि पानी में रहने के लिए इनको पानी में ही सांस लेना है, पानी में इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना है. तो उसके लिए इनके पास क्या क्या फीचर्स हैं, फर्स्ट लेट अस सी. पानी में जब ये रहते हैं तो इनको पानी में रहने के लिए सांस लेना है. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं और वो लंग्स से ब्रीथ करते हैं. उनके पास ब्रीदिंग ऑर्गन जो होता है वो लंग्स होते हैं. लेकिन एक्वेटिक एनिमल्स वो लंग से ब्रीथ नहीं कर सकते. तो एक्वेटिक एनिमल्स किस से सांस लेते हैं, तो एक्वेटिक एनिमल्स दे ब्रीथ थ्रू गिल्स. एक्वेटिक एनिमल्स गिल्स से सांस लेते हैं. तो ये फिश है, यहाँ पर स्लिट होता है, स्लिट यानी कि कट होता है, तो वहां पर ये गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे फिश जो है वो ब्रीथ करती हैं. बट एक्सेप्ट वेल्स एंड डॉल्फिन्स. वेल्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं वो फिश नहीं है, दोज आर मैमल्स. तो वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स. तो वेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं वो गिल्स से सांस नहीं लेती हैं, वो लंग्स से ब्रीथ करती हैं, क्योंकि वो मैमल्स हैं. वेल्स और डॉल्फिन्स जो होती हैं वो पानी के ऊपर आती हैं सांस लेने के लिए, तो वो गिल से सांस नहीं लेती क्योंकि वो मैमल्स हैं, वो फिश नहीं है. तो ब्रीथ करने के लिए जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके पास क्या फीचर है, गिल्स है, एक्सेप्ट वेल्स एंड डॉल्फिन्स. अब पानी में उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना है. अब स्विम करने के लिए उनके पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी. स्ट्रीमलाइंड बॉडी, स्ट्रीमलाइंड शेप जो होती है वो उनको हेल्प करती है जो पानी का फ्रिक्शन होता है उसको काट के आगे बढ़ने में, मतलब कॉन्स्टेंटली मूव करते रहने में. तक ये स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो होती है उनकी, स्ट्रीमलाइंड शेप जो होती है वो उनको हेल्प करती है पानी में इजिली मूव करने में. तो ये जो शेप है, दिस शेप, ये जो शेप होती है इसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप. इसी तरह से एरोप्लेन की जो शेप होती है, तो एरोप्लेन भी इजिली जो है हवा में मूव कर पा रहा है क्योंकि हवा में भी एक तरह से फ्रिक्शन होता है. तो स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है एक्वेटिक एनिमल्स को हेल्प करती है पानी में इजिली स्विम कर पाने में, मूव कर पाने में. नेक्स्ट, पानी में स्विम करने के लिए उनके पास कौन सा फीचर है, उनकी जो टेल होती है, फिश की जो टेल होती है वो टेल उनको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है. डायरेक्शन चेंज करने में फिश की जो टेल है वो उनको हेल्प करती है. नेक्स्ट, उनके पास क्या फीचर है, उनके पास फिन्स होते हैं. ये जो यहाँ पर होते हैं इनको हम कहते हैं फिन्स. तो ये जो फिन्स होते हैं ये भी जो है फिश को हेल्प करते हैं स्विम करने में. कुछ के पास फिन्स होते हैं, कुछ के पास पेडल्स होते हैं. अब जैसे जो टर्टल्स वगैरह होते हैं, टर्टल के पास क्या होता है, टर्टल के पास लिम्स होते हैं, फ्लिपर्स इनको हम कहते हैं. तो टर्टल जो होता है उनके पास फ्लिपर होते हैं, उनके पास फिन्स नहीं होते हैं टर्टल वगैरह के पास, उनके पास फ्लिपर होता है. फ्लिपर क्या होता है, जैसे आर्म्स जो होती हैं वो उनकी काफी ब्रॉड होती हैं जिससे वो पैडल करते हैं पानी में, यानी कि फ्लिपर की वजह से वो मूव कर पाते हैं, स्विम कर पाते हैं. नाउ सी दिस डायग्राम ऑफ अ टर्टल. ये जो लिम्स हैं टर्टल के, इनको हम फ्लिपर कहते हैं, और इन फ्लिपर की हेल्प से टर्टल, सील्स और वेल्स में सिमिलर फ्लिपर होते हैं जिसकी हेल्प से ये पानी में स्विम करते हैं. नाउ अनदर एक्वेटिक एनिमल इज डक्स. तो डक्स के पास क्या होता है, डक्स एक तरह से पानी के ऊपर ही फ्लोट करती है, लेकिन दे हैव टू पैडल इन द वॉटर टू मूव फर्दर. तो उनके पास क्या होता है, ताकि वो पैडल कर सके उनको भी एक तरह से पानी में मूव करना है डक्स को. तो डक्स के पास क्या होते हैं, दे हैव वेब्ड फीट. उनके जो फीट होते हैं दे आर वेब्ड. वेब्ड का मतलब होता है उनके जो फीट होते हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं. उनके जो टोज होते हैं उसके बीच में स्किन होती है जो आपस में सारे टोज को जॉइन करके रखती है. जब ये आपस में सारे जॉइन हो जाते हैं, इनके बीच में जो स्किन है इसकी वजह से, उसको हम कहते हैं वेब्ड फीट. और ये वेब्ड फीट डक्स को
हेल्प करती है पानी में मूव कर पाने में. नाउ सम बर्ड्स लाइक क्रेन्स, एग्रेट्स एंड फ्लेमिंगोज. ये बर्ड्स क्या होती हैं, इनका जो खाना होता है, जो फूड होता है, वो होता है फिश. तो इनको फिश को कैच करना है पानी के अंदर से, तो पानी में इनको एक तरह से मूव करना पड़ता है. तो पानी में मूव करने के लिए इनके पास क्या होता है, उनके पास लॉन्ग लेग्स होती हैं. तो उन लॉन्ग लेग्स की वजह से वो इजीली पानी में मूव कर पाती हैं, और पानी में मूव करके फिर जो इनका फूड है फिश, उसको ये कैच कर पाती हैं अपने लॉन्ग बीक्स की हेल्प से. बीक्स यानी कि चोंच. तो इनकी जो बीक्स होती हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग होती है, इनकी जो लेग्स होती है वो भी काफ़ी लॉन्ग होती है. तो ये दो फीचर्स की वजह से, लॉन्ग लेग्स एंड लॉन्ग बीक्स की वजह से, ये अपना जो प्रे होता है, इनका जो शिकार होता है फिश, उसको ये कैच कर पाती हैं. तो एक तरह से ये इन बर्ड्स का फीचर है जो इनको पानी में मूव करने में हेल्प करता है, क्या, लॉन्ग लेग. Now let us study about the features of amphibians. सबसे पहले हम जानते हैं कि amphibians क्या होते हैं. amphi का जो मतलब होता है, amphi, amphi का जो मतलब है वो है both, यानी कि दोनों. तो amphibians ऐसे animals होते हैं जो land पर भी रहते हैं और जो पानी में भी रहते हैं. तो animals that live on land as well as in water, ऐसे animals land पर भी रह सकते हैं और वो पानी में भी रह सकते हैं. तो एम्फी का मतलब होता है बोथ, लैंड में भी और वाटर में भी. फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉग, टोड, स्नेक, सेलेमेंडर एट्सेट्रा, ये वो एनिमल्स हैं जो लैंड पर भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं और पानी में भी इजीली सर्वाइव कर लेते हैं. अब इनके पास क्या अडेप्टेशन होंगे, इनके पास कौन से फीचर्स होंगे जिस वजह से ये लैंड पर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं और ये पानी में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं. सबसे पहले इनको सांस लेना है, लैंड पर है तब भी सांस लेना है और जब पानी में है तब भी सांस लेना है. तो क्या एक ही ऑर्गन है इनके पास जिस वजह से ये, जिसकी हेल्प से ये लैंड पर भी ब्रीथ कर लेते हैं और पानी में भी ब्रीथ कर लेते हैं? नहीं, लैंड पर जब है तब ये ब्रीथ करते हैं लंग्स से. किससे? लंग्स से. लैंड पर ये ब्रीथ करते हैं लंग्स की हेल्प से, जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स करते हैं बाकी. और जब ये पानी में होते हैं तो इनकी जो स्किन होती है मॉइस्ट होती है. मॉइस्ट यानी कि वो एक तरह से चिकनी होती है, नमी होती है उसमें. तो वो मॉइस्ट स्किन की हेल्प से ये पानी में ब्रीथ करते हैं, मॉइस्ट स्किन की हेल्प से. अब फ्रॉग की जो यंग फॉर्म होती है, जो टैडपोल होता है, टैडपोल के पास गिल्स होते हैं. लेकिन जैसे ही टैडपोल मैच्योर हो जाता है और फ्रॉग बन जाता है, वो गिल्स धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, और एक तरह से फिर वो मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं. फिर वो गिल्स उनके पास, फ्रॉग के पास नहीं रहते. फ्रॉग के पास फिर पानी में सांस लेने के लिए मॉइस्ट स्किन रहती है. दूसरा, अब बात आती है मूवमेंट की, कि जो एम्फीबियंस हैं, इनको लैंड पर जब ये है लैंड पे भी मूव करना है और जब ये पानी में है तो वहां पर भी मूव करना है. तो लैंड पर मूव करने के लिए क्या होते हैं, इनके पास स्पेशल लिम्स. तो इनके जो लिम्स होते हैं वो स्पेशल किस तरह से हैं? बैक लेग्स ऑफ अ फ्रॉग और अ टोड आर स्ट्रॉन्गर दैन फ्रंट लेग्स. जो इनकी बैक लेग्स होती हैं वो लंबी भी होती हैं और वो स्ट्रॉन्ग भी होती हैं आगे वालों से. तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जंप कर लेते हैं इजीली. और इस तरह से जंप करके ये जो है लैंड पर मूव करते हैं, फ्रॉग और टोड जो होते हैं. अब जब ये पानी में है तो पानी में कैसे मूव करेंगे? पानी में तो ये जंप नहीं करेंगे. तो पानी में इनकी जो लेग्स है वो हेल्प नहीं करती. पानी में क्या होते हैं, जो फीट होते हैं अगेन, पानी में मूव करने के लिए इनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी कि आपस में ये जुड़े होते हैं. तो ये वेब फीट की वजह से पानी में इजिली मूव कर लेते हैं. तो ये सारे फीचर्स थे एम्फीबियंस के. उनको सांस लेना है लंग से लैंड पे, पानी में मॉइस्ट स्किन से, और लैंड पर वो मूव करते हैं अपनी स्पेशल लिम्स की वजह से, और पानी में वो मूव करते हैं अपने वेब्ड फीट की हेल्प से. सो देयर एंड्स आर टुडेस लेक्चर. इन आर नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट एरियल एंड आर्बोरियल एनिमल्स, एंड ऑल्सो वी विल सी अबाउट द अडेप्टेशंस फॉर फूड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. कीप डूइंग योर हार्ड वर्क एंड बी सेफ. थैंक यू.